तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखलाती हूँ कितने ही अच्छे बनके तैयार हुए और आप आवाज भी सुन सकते हो कितने ही क्रिस्पी बनके और बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं। तो आप इन आसानी से बना सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल अंजना किचन क्यून में आपका स्वागत है। ठंडे का मौसम शुरू हो चुका है तो आज मैं लेके आई एकदम क्रिस्पी पटाटो की रेसिपी। और इन दिनों में इनका खाने का अपना अलग ही मजा और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया, और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे मेरी वीडियो आपके पास आसानी से सबसे पहले पहुंचे। तो जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं एकदम क्रिस्पी पटाटो। तो क्रिस्पी पोटैटो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए मीडियम साइज के और इनका छिलका उतार लिया और इन्हें हम बीच में से कट करेंगे स्लाइस, जैसे कि ऑरेंज होता उस तरह से हमें इन्हें कट करना है। इन्हें ज्यादा बारीक हमें नहीं कट करना, तो यहाँ पर हम पहले बीच में से कट करेंगे और फिर इनके स्लाइसेस काटेंगे। तो हमें थोड़े मोटे ही काटने, हमें पतले नहीं काटने, तो हम यहाँ से बीच में से इनकी स्लाइस कर देते हैं। तो हमें इस तरह से कट करना है, तो सारे हमें आलू के इस तरह से स्लाइस बनाने हैं। तो यहाँ पर हमारे आलू सारे कट हो चुके हैं और बिल्कुल आप देख सकते हो हमने स्लाइस किस तरह से काटे हैं, ज्यादा बारीक नहीं काटने। तो इन्हें हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। हमें जो आलू के अंदर से व्हाइट निकलता उसे बिल्कुल वॉश कर देना, अगर हम उसे नहीं निकालेंगे तो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इन्हें अच्छे से हम वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पर आलू हमारे अच्छे से वॉश हो चुके हैं, अब इन्हें हम उबलते पानी में 5 मिनट के लिए डालेंगे और गैस हमें बंद कर देना है क्योंकि हमें इन्हें ज्यादा नहीं डालना है। तो हम सिर्फ उबलते पानी में इन्हें डाल देते हैं, खोलता पानी होना चाहिए जिससे हमारे आलू अच्छे से क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पर हम एक लेमन लेंगे और लेमन के जूस से आलू आपके बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पर आलू को हमारे 5 मिनट हो चुके हैं और आलू हमारे पहले से अभी पानी गर्म है, तो इन्हें हम पानी में से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पानी में से हमने सारे पटाटो अपने निकाल लिए हैं और एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और कपड़े से अच्छे से पानी को साफ कर देते हैं। अगर इसमें पानी रहेगा बिल्कुल भी हमारे क्रिस्पी बनके तैयार नहीं होंगे, बिल्कुल इन्हें सुखा देना है अच्छे से। और पानी से हमने इन्हें बिल्कुल सुखा दिया है, तो अब इनका हम मसाला तैयार करेंगे, इन्हें हम साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉर्नफ्लेक्स लेंगे, ये वाला मैंने बिल्कुल प्लेन वाला लिया है जिसे मैंने दरदरा करके पीस लिया है, हमें ज्यादा बारीक नहीं पीसना है। यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स लिया और दोनों को मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जो पटाटो बनेंगे बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। और यहाँ पर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमने फ्लैक्स सीड लिए और यहाँ पर हम काला नमक लेंगे स्वाद अनुसार, यहाँ पर हम व्हाइट नमक लेंगे स्वाद अनुसार, यहाँ पर मैंने चाट मसाला लिया है और यहाँ पर काली मिर्च। तो सारी चीजों को हम इसमें मिक्स कर देते हैं, सारे मसाले को। सबसे पहले हम यहाँ पर काली मिर्च डालेंगे, काली मिर्च से काफी अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर हम चाट मसाला डालेंगे 1 चम्मच, यहाँ पर मैंने छोटी चम्मच ली है, ज्यादा बड़ा नहीं लिया है। और यहाँ पर हम स्वाद अनुसार काला नमक और थोड़ा सा व्हाइट नमक, और यहाँ पर हम 1/2 चम्मच फ्लैक्स सीड डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देते हैं दोनों चीजों को। इसमें क्या होगा, मसाले एकदम अच्छे से उभर के आएंगे और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। और आप याद करोगे कि एकदम बिल्कुल क्रिस्पी पोटैटो बनके तैयार होंगे। और फ्रेंड्स, वाले वगैरह तो आपने काफी खाए होंगे लेकिन ऐसे आपने पोटैटो नहीं खाए होंगे, तो इन्हें हम मिक्स कर देते हैं। तो यह हमारा मिक्स हो चुका है, तो यहाँ पर हम इसे साइड कर देते हैं। यहाँ पर हम घोल तैयार करेंगे, तो यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम 2 चम्मच मैदा डालेंगे। तो हम घोल तैयार करेंगे जिससे हमारा ये अच्छे से क्रिस्पी बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर हम कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे 2 चम्मच, 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लेक्स और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे मिक्स कर देते हैं। हल्का हल्का पानी डालेंगे, हमें ज्यादा ना पतला करना है ना ही ज्यादा से गाढ़ा करना, और बिल्कुल हमें इसे मीडियम रखना है जिससे हमारे घोल तैयार होगा और अच्छे से मसाला लिपट जाए पटाटो में। तो इसे हम अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा घोल बिल्कुल बनके तैयार है और इसे अच्छा से हम फेंट लेते हैं। और बिल्कुल हमें इसी तरह से घोल तैयार करना है, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा है। तो अपने आलू हम फ्राई करने चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा घोल भी तैयार है, यहाँ पर हमारा ब्रेड क्रम्स भी तैयार है। तो यहाँ पर हम एक आलू की स्लाइस लेंगे और अच्छे से इसे डुबो देते हैं और फिर हम ब्रेड क्रम्स में और कॉर्नफ्लेक्स में अच्छे से लपेट देते हैं, और बिल्कुल अच्छे से लपेटना जिससे बिल्कुल हमारे पटाटो एकदम क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। तो ऐसे हम लपेट के एक एक प्लेट में लगा देते हैं। तो सारे इसी तरह से हमें पटाटो अपने तैयार करने, इससे क्या होगा बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होंगे, एकदम क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। और आप यकीन नहीं कर पाओगे, आप सब चीज भूल जाओगे इसके सामने, पकौड़े वकोड़े आप खाना भूल जाओगे, इतने ही टेस्टी बनके तैयार होंगे। तो हम ऐसे ही सारे लपेट कर रख लेते हैं।
तो यहाँ पर हमारे सारे आलू हमने अच्छे से मसाले में लपेट दिए और इन्हें हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑयल गरम हो चुका है, तो हमें इसे हाई पे फ्राई नहीं करना है, हमें इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करने हैं। तो इससे हमारे क्या होगा, क्रिस्पी बनेंगे और अंदर तक एकदम आंच लगेगी और बहुत ही अच्छे से सिक जाएंगे। तो इन्हें हम बिल्कुल अच्छे से एक एक करके डाल देते हैं और इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें खाने के बाद फ्रेंच फ्राई और चिली पटाटो वगैरह खाना भूल जाओगे, आप हमेशा ही नहीं बनाना पसंद करोगे, क्योंकि टेस्ट इतने बनेंगे एकदम क्रिस्पी, और जिसे भी आप खिलाओगे वो आपसे मांग मांग के खाएगा, क्योंकि इतने ही टेस्टफुल बन के तैयार होंगे और सारे पकौड़े वगैरह आप भूल जाने वाले हो इन्हें खाने के बाद। तो इन्हें हम अच्छे से फ्राई होने देते हैं गोल्डन कलर के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लगा है, तो इन्हें हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है, तो हल्का हल्का इन्हें पलट देते हैं। तो यहाँ पर पटाटो में काफी अच्छा कलर आ चुका है और आप देख सकते हो कितना ही अच्छा प्यारा कलर आया, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन, यही कलर हमें चाहिए था। तो इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हम सारे पटाटो को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे क्रिस्पी पटाटो बन के बिल्कुल तैयार है, इनकी हम प्लेटिंग करते हैं। तो आप इन्हें कभी भी बना के तैयार कर सकते हो हल्की भूख में शाम की, और जैसे आपके कोई गेस्ट आया उसके लिए भी बना सकते हो। और आलू तो हर घर में होते ही हैं, बस निकालो और बनाओ और एकदम अलग ही नाश्ता बन के तैयार होगा, और बहुत ही क्रिस्पी, बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हो। जैसे आप स्माइली वगैरह बनाते हो लेकिन वो सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन ये क्रिस्पी की क्रिस्पी रहेंगे। तो इन्हें हम अच्छे से प्लेट में लगा देते हैं और आवाज भी आप सुन सकते हो कितने ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर सारे पटाटो हमारे प्लेट में लग चुके हैं और यहाँ पर हल्का हल्का हम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाले से और भी ज्यादा अच्छा टेस्ट आता, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो चाट मसाले को स्किप भी कर सकते हो। और यहाँ पर हम लेंगे टमाटर केचप, इसके बिना तो कोई भी स्नैक्स अधूरा है। और आप देख सकते हो कितने ही अच्छे हमारे पटाटो बन के तैयार हुए हैं, और बोल भी नहीं सकता कि आपने घर में बना के तैयार किए, आप इन्हें कभी भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हुए। तो देखिये फ्रेंड्स, मैं आपको दिखलाती हूँ कितने ही अच्छे बन के तैयार हुए, और आप आवाज भी सुन सकते हो कितने ही क्रिस्पी बनके और बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं। तो आप इन्हें आसानी से बना सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भूलिएगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।